कुंज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम ने मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। उन्होंने कहा, हिमाचल की युवा शक्ति ने देश को गौरवान्वित होने का दिया है अवसर। जस्टिस रमना ने सीजीआई के तौर पर अपने कार्यकाल का किया उल्लेख। कहा, 16 महीनों में जितना कर सकता था मैंने किया। कोयंबटूर में भाजपा नेता के घर पर फेंका गया एक और बॉटल बम। कार हुई क्षतिग्रस्त। ड्रग तस्करी के आरोप में विदेशी नागरिक समेत दो लोगों को हैदराबाद में किया गया गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश मामले में एक और आरोप का पत्र दायर। एनआईए ने रखा 10 लाख का इनाम। राष्ट्रवाद पर बोले भागवत, कहा इसका विचार किसी दूसरे देश के लिए खतरा पैदा करना नहीं है। ईडी का दावा, पीएफआई ने रची थी पीएम मोदी पर हमले की साजिश। निशाने पर थी जुलाई 2022 की पटना रैली। आईएस से जुड़े आरोपियों ने भारत में खलीफा शासन की स्थापना के लिए काम किया। कर्नाटक पुलिस ने दिए ये बयान। पंजाब के राज्यपाल ने 27 सितंबर के विधानसभा सत्र में होने वाले कामकाज का ब्यौरा मांगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई का ऑपरेशन में एक दूत। 20 राज्यों में 56 लोकेशन पर चल रही है रेड। श्रीलंका के उच्चायुक्त ने अजीत डोभाल से की मुलाकात, वर्तमान स्थिति पर चर्चा। आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसा रहे पीएफआई। एनआईए ने जारी की रिपोर्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कलर्क भर्ती मामले में फर्जीवाड़े की एसआईटी करेगी जांच। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू, 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। अध्यक्ष पद की रेस में 4 नाम आगे आए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेताओं को नोटिस। ईडी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। पीरपैंती में चला पर्यावरण संरक्षण का नशा मुक्ति जन जागरण अभियान। भारत स्काउट गाइड का प्रथम समापन का प्रशिक्षण आज हुआ आयोजन। दीक्षांत समापन समारोह का कार्यक्रम किया गया आयोजित। भागलपुर में धुलाई धड़ल्ले से चल रही अवैध मिट्टी की धुलाई पर शासन ने साधी चुप्पी। कैमूर में किशोरी हत्याकांड का हुआ खुलासा, आरोपी की हुई गिरफ्तारी।
नालंदा में शौच गए युवक की तालाब में मिला शव, डूबकर मौत की आशंका, युवक 6 बच्चों का करता था भरण पोषण। बिहार में शरीफ नगर निगम चुनाव को लेकर दिग्गजों के नामांकन का सिलसिला जारी। नवादा में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध बालू खनन और ढुलाई पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने की छापेमारी। नवादा में पुलिस ने टेम्पो पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त, टेम्पो चालक की हुई गिरफ्तारी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली हुए रवाना, विदेश जाकर अपना इलाज कराएंगे लालू यादव। सहरसा जिले के पुस्तकालय का हाल बेहाल, छात्र छात्राओं को पढ़ने में करना पड़ा दिक्कतों का सामना। सीतापुर में थप्पड़ मारने से गुस्सा इंटर के छात्र ने प्रिंसिपल को मारी 3 गोली, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। लखनऊ में होंगे खेलो इंडिया हॉकी लीग के फाइनल मुकाबले, 13 अक्टूबर से होगी शुरुआत। योगी सरकार दंग आयोग पर हुई और सख्त, विधानसभा में पास हुआ निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक। यूपी में एमएलसी चुनाव में पूर्ण विजय के संकल्प संग उतरेगी भाजपा, बनाई गई रणनीति। उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा बिजली सामग्री का 35% तक का ज्यादा रेट, आयोग ने लगाई फटकार। अलीगढ़ शहर में लगातार हो रही है बारिश, बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त। देवरिया में डग्गा मार, स्कूली वाहन को मासूम लगा रहे हैं धक्का, पुलिस कर्मियों ने भी स्कूली वैन को मारा धक्का। हरदोई में करोड़ों के भ्रष्टाचार की नई खुली पोल, अधिकारियों के लचर रवैये से परेशान पीड़ित, पीड़ित ने सीएम से लगाई गुहार। हरदोई में किसानों की फसलें हुई जलमग्न, किसान परेशान, अधिकारियों से की मांग। हरदोई में वांछित अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, दोनों अपराधियों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। हरदोई में कैदी वाहन को एसपी ने किया रवाना, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कैदी वाहन। सीतापुर में ओवरलोड के कारण मासूम की मौत, ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सुल्तानपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में अपात्र लोगों को मिल रहा है पीएम आवास, अपात्रों को बांट दिया आवास, पात्र कर रहे हैं इंतजार। औरैया केरवा कचरा में हुआ रामलीला का आगाज, शिव बारात के साथ हुई शुरू श्री रामलीला।
मथुरा में भेड़ को बचाने में चाचा भतीजे की मौत, बोरवेल में गिर गया था भेड़ का बच्चा, बचाने उतरे थे दोनों। फरीदाबाद में पुलिस का सराहनीय कार्य, तीन मिनट में पीड़ित की मदद को पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में युवक की अजीब हरकत से परेशान हुए लोग, ट्रेन में बम की दी थी धमकी। गाजियाबाद में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का गाजियाबाद दौरा, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का किया ऐलान। गोरखपुर में अचानक भरभरा कर गिरी खपरेल की छत, एक युवक की मौत, कई घायल। महाराजगंज में हथियारों ने मृतक की परिवार पर किया हमला, छावनी में तब्दील हुआ गांव। प्रयागराज में बनावट से लेकर सजावट तक गंगा यमुना की तहजीब की मिसाल है निसार। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, महिला से छिड़खानी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। संभल में सोशल मीडिया पर तमंचा लहराते फोटो वायरल, फसल पलटने को लेकर हुआ था झगड़ा। लखनऊ के हजरतगंज में लगी आग, चरण प्लाजा के बगल में लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। अंकिता मर्डर से उत्तराखंड में उबाल, आरोपित पुलकित के भाई को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटाया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन में 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गंगोत्री हाईवे बंद। पिथौरागढ़ में दर का भारी भरकम पहाड़ सामने आया, दिल दहला देने वाला वीडियो, काली नदी का प्रभाव भी रुका। नैनीताल में 6,000 वाहन मालिकों को लगेगा झटका, फिटनेस के लिए चुकाने होंगे 15,000 रुपए, पहले लगते थे 1900 रुपए। खतरे में पहाड़ के मैदान से जोड़ने वाला चाफी पुल, बुनियाद से घुस रहा है कलसा का पानी, पहले भी टूट चुका है ये पुल। पहाड़ों पर रात भर बारिश, चंपावत टनकपुर हाईवे पर भरभरा कर गिरे बोल्डर, यातायात ठप, कैलाश मानसरोवर मार्ग भी बंद। उधम सिंह नगर में विवाहिता की मौत के बाद पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप, पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा हमला, कहा आरोपियों को बचाने की भाजपा सरकार कर रही है कोशिश। हल्द्वानी में 25,000 वाहनों में लगेगा जीपीएस, अन्यथा नहीं मिलेगा फिटनेस या अन्य प्रमाण पत्र, निगरानी सिस्टम भी बनेगा। हल्द्वानी में 26 को निकलेगी श्रीराम बारात, मेहंदी कल, मुरादाबाद से पहुंचेगी विशेष शहनाई, पूरे शहर को नेता। ईरान में फ्री इंटरनेट के लिए आगे आए एलन मस्क, करेंगे स्टारलिंग सर्विस एक्टिव। सेंट्रल जापान में भी तूफान की तबाही, 2 मरे, हजारों घरों की बिजली गुल।
सेंट्रल जापान में तूफान की तबाही, दो मरे, हजारों घरों की बिजली गुल। चीनी समक्ष से मिले एंटनी ब्लिंकन, चीन ने कहा अमेरिका ताइवान को भेज रहा है खतरनाक संकेत। शेख हसीना ने यूएन में उठाए रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा, बताया बांग्लादेश के लिए गंभीर समस्या। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी, कई क्षेत्रों में फैला डेंगू और मलेरिया। साइबर अपराध के खिलाफ भारत समेत क्वेट देश में भी हुए एकजुट, कार्रवाई करने में एक दूसरे की करेंगे सहायता। यूएन में शहबाज शरीफ ने जताई शांति की इच्छा, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अलापना नहीं बोले, अनुच्छेद 370 का भी किया जिक्र। दुनिया के बाजारों पर छाया वैश्विक मंदी का खतरा, शेयर बाजारों ने लगाया गोता। सुखद भविष्य के लिए यूरोप की राह पकड़ने वाले भूमध्य सागर फिर बना काल, नाव डूबने से 71 की मौत। चीनी वैज्ञानिकों का कमाल, बनाया दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया, नाम दिया माया। बढ़ती महंगाई और मंदी के आहार से सहमे दुनिया के शेयर बाजार, यूरो और ब्रिटिश पाउंड कई दशक के नीचे स्तर पर। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार सातवें हफ्ते गिरावट, दो साल के न्यूनतम स्तर पर। ४०४७ तक रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में बढ़ी जागरूकता, प्रीमियम कलेक्शन में हुआ 28% इजाफा। मूनलाइटिंग पर दो धड़ों में बटी आईटी इंडस्ट्रीज, प्रेम जी और क्रिस ने मूनलाइटिंग को बताया गलत, पई जैसे दिग्गज इसके पक्ष में। देश में नई नौकरियों की संख्या ने उछाल, जुलाई में ईएसआईसी से 15 लाख से ज्यादा नए मेंबर्स जुड़े। ऑडी ने भारत में लॉन्च की नई लग्जरी कार, फीचर्स और लुक देखकर हो जाएंगे दीवाने। क्रेटा और सेल्टोस की बढ़ जाएगी मुसीबत, 26 को लॉन्च हो रही है मारुति की ग्रैंड विटारा। हाइब्रिड कार्स की कम होगी कीमत, सरकार कर रही है खास योजना पर काम। धान और दलहनी फसलों की कम हुई बुआई, चावल और दालों के दाम बढ़ने की आशंका। प्लेयर ऑफ द मैच बनकर रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी व मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड, कोहली की बराबरी। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की भावुक विदाई, आखिरी मुकाबला हारने के बाद कोर्ट पर रोते हुए बोली, मैं दुखी नहीं, खुश हूं।
रविंद्र जडेजा नहीं छोड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। इस साल 16 दिसंबर को हो सकती है नीलामी, 95 करोड़ रुपए पर होगा टीम का बजट। आईपीएल 2023 में सीजन के लिए दिसंबर में हो सकती है नीलामी, सभी टीम के पास पर्स में 95 करोड़ रुपए। के बाद घरेलू T20 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से जीता भारत, रोहित की तूफानी पारी अक्षर चमके। भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया से हुई छुट्टी, कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे T20 मैच से किया बाहर। एडम गिलक्रिस्ट ने की ऋषभ पंत की तारीफ, बोले इस बैटर की भारत प्लेइंग 11 में होना जरूरी है। भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की कली बराबरी। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के शिष्य बने अर्जुन तेंदुलकर, सीख रहे हैं क्रिकेट के गुण। सौरभ गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को दिया था गुरु मंत्र, हार जीत पर कही बड़ी बात। करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और खुलासा, जैकलीन की डिजाइनर ने सूके से 300 करोड़ रुपए लेने की बात स्वीकार की, फेवर कपड़े पहनने के खरीदने के लिए दिए थे पैसे। हिना खान ने किया टफ एरियल योगा, झूले पर उल्टा लटकती नजर आई, वीडियो शेयर कर किया फैंस को इंस्पायर। कक्कड़ के गाने पर फाल्गुनी पाठक का रिएक्शन, बोली ओरिजिनल गाने से सिंपलिसिटी थी जो लोगों को पसंद आई थी, रिमिक्स बनाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए। मुंबई में स्पॉट हुई रश्मिका मंदाना, अपकमिंग फिल्म गुड बॉय के प्रमोशन के लिए जुहू बीच पहुंची, पिंक आउटफिट में दिखी खूबसूरत। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो, विदेश में गोलगप्पे खाती नजर आई पति और दोस्तों के साथ की मस्ती। कॉन्स्टेंस वू का सनसनीखेज खुलासा, कहा फ्रेश ऑफ द बोट के सेट पर लगातार किया गया मेरा यौन उत्पीड़न। आलिया रणबीर की ब्रह्मास्त्र ने रचा इतिहास, रिलीज के 15वें दिन भी छप्पर फाड़ कमाई की। सनी देओल की चुप ने लगाई दहाड़, अगले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, कैजुअल लुक में आई नजर, स्टाइल पर फिदा हुए फैंस। एक अक्टूबर को होगा बिग बॉस का 16 ग्रैंड प्रीमियर, शो के नए प्रोमो में होस्ट सलमान खान ने किया अनाउंसमेंट। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।